Hey, what's up guys, it's me Mohit Astrolian and this is the first video of Dancer Update. इस सीरीज में मैं आपको फेमस और पॉपुलर डांसर्स के अपडेट दूंगा, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो के जो फर्स्ट अपडेट आ रहा है वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अर्बन डांसर सागर बोरा सर की तरफ से आ रहा है। तो रिसेंटली उनके दो वीडियो आउट हुए हैं। तो जो फर्स्ट वीडियो है वो एक डांस शोकेस वीडियो है जो कि अर्बन डांस वीक में उन्होंने परफॉर्म किया है, और जो सेकंड वीडियो है वो टू द कल्चर अवार्ड में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे सेकंड वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। उसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है और उसमें एक बहुत अच्छा मैसेज भी है। तो अगर आप एक डांसर हो तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो में एक मैसेज है सारे डांसर्स के लिए। और गाइस जो सेकंड अपडेट आ रहा है वो आ रहा है धर्मेश सर की तरफ से। तो गाइस एज यू नो ABCD 3 आने वाली है जिसका कि नेम स्ट्रीट डांसर है, तो उसकी शूटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। तो धर्मेश सर की तरफ से अपडेट ये है कि उन्होंने इसकी डबिंग स्टार्ट कर दी है अपने रोल के लिए। और गाइस जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वो आ रहा है हिमांशु दुलानी के तरफ से। तो अगर आप हिमांशु को नहीं जानते हो तो वो इंडिया के एक बहुत अच्छे अर्बन डांसर है, साथ ही साथ वो यूट्यूबर भी है। तो उनकी नई वीडियो आउट हुई है मोरनी बनके सॉन्ग पे, तो आप जाके ये वीडियो ज़रूर देखो। एज यूजुअल उन्होंने फाड़ के रख दी है कोरियोग्राफी में, एकदम आग और लिट कोरियोग्राफी है। तो आप जाके ज़रूर ये वीडियो देखो, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और गाइस जो नेक्स्ट न्यूज आ रहा है वो आ रहा है रेमो डिसूजा सर के बारे में। तो गाजियाबाद कोर्ट ने रेमो सर के अगेंस्ट नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है। एक्चुअली ये केस 2016 का है जिसको गाजियाबाद के रहने वाले सत्येंद्र त्यागी जी ने रेमो डिसूजा सर के खिलाफ किया है। उनके अकॉर्डिंग 2013 में रेमो सर ने उनसे एक मूवी के लिए 5 करोड़ रुपए लिए थे और उस मूवी में इन्वेस्ट कराए थे जिसका नाम था अमर मस्ट डाई, और उनको प्रॉमिस किया था कि अगले साल इसके 10 करोड़ रुपए उन्हें वापस देंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ और पैसे मांगने पर उन्हें धमकियां भी मिलने लगी। तो फाइनली 2016 में उन्होंने रेमो सर के खिलाफ धोखाधड़ी और धमकी देने का केस किया, और इस केस की सुनवाई में जितने भी हियरिंग हुई रेमो सर उसमें प्रेजेंट नहीं थे, जिसके वजह से गाजियाबाद कोर्ट ने उनके खिलाफ ये वारंट जारी किया है। तो गाइस यहाँ पर बात ये भी है कि रेमो सर एक बहुत अच्छे इंसान है, हम सबको पता है उन्होंने कितने लोगों की ज़िंदगी बनाई है, तो कहीं ना कहीं उनसे भी गलतियाँ हो सकती है। पर यहाँ पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं, ये भी प्रॉब्लम रिसॉल्व हो जाएगा क्योंकि वो एक बहुत अच्छे पर्सन है। अगली अपडेट जो आई है वो आई है MJ5 की तरफ से। तो उनका एक नया डांस कोलैब वीडियो आउट हुआ है जो इंडिया के बहुत बड़े यूट्यूबर फ्लाइंग बीस्ट के साथ है। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखो, इसकी कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है और बहुत इंटरटेनिंग वीडियो है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और क्या जब जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे वी कंपनी के बारे में। तो वी कंपनी की तरफ से दो अपडेट आ रही है। तो जो पहली अपडेट है वो ये कि उनका लिरिकल डिप्लोमा प्रोग्राम स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप एक लिरिकल डांसर हो या फिर आपको लिरिकल सीखना है तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके बारे में अगर आप ज़्यादा डिटेल चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और उनके तरफ से जो दूसरा अपडेट आ रहा है तो उनका एक नया वीडियो आया है वी कंपनी का, जो कि आधा एक सॉन्ग पे। तो मैं पर्सनली बताऊं तो ये वीडियो बहुत अच्छा है, इसकी फ्लो बहुत अच्छी है कोरियोग्राफी को, तो आप ये वीडियो जाके ज़रूर देखो, आपको बहुत कुछ नया देखने को और सीखने को मिलेगा। और गाइस जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है पीयूष भगत के बारे में। तो गाइस एज यू नो पीयूष भगत और साजिया ने कोरियोग्राफी करना स्टार्ट कर दिया बॉलीवुड में, और उनका जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो है दोस्ताना 2, जो कि सीक्वल है ब्लॉकबस्टर मूवी दोस्ताना का। तो गाइस बहुत जल्दी आप लोगों को पीयूष भगत की कोरियोग्राफी देखने को मिलेगी दोस्ताना 2 में। और गाइस जो अगला अपडेट आ रहा है वो आ रहा है विक्रम के तरफ से। तो विक्रम एक दिल्ली के बहुत अच्छे क्रम्पर है और बेस क्रू के मेंबर भी है। तो उनका एक नया वीडियो आउट हुआ है जो कि बेसिकली एक क्रम्पोग्राफी है। तो क्रम्पोग्राफी से यहाँ ये मतलब है कि क्रम्प एक फ्री स्टाइल डांस स्टाइल है, लेकिन इसे लोग कोरियोग्राफी में भी यूज करते हैं, और यूनिक तरीके से विक्रम ने इसे यूज किया है वीडियो में। तो उन्होंने एक इसे टर्म दिया है क्रम्पोग्राफी। तो ये वीडियो आप जाके ज़रूर देखो अगर आपको क्रम्प पसंद है तो। और गाइस जो नेक्स्ट अपडेट है वो है अंकित साथी के तरफ से। तो उनका एक नया वीडियो जो कि अभी ट्रेंडिंग सॉन्ग चल रहा है फिलहाल, उस पर आउट हुआ है। तो ये वीडियो जाके आप ज़रूर देखो, आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। और गाइस जो नेक्स्ट अपडेट है वो इंडिया के एक बहुत बड़े यूट्यूबर और एक अच्छे डांसर अजय पॉपटॉर्न के बारे में। तो अजय पॉपटॉर्न ने अपने यूट्यूब चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए है, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो उनके चैनल पर जाओ और कमेंट में उन्हें कॉन्ग्रेचुलेसन करो हमारे ऑस्ट्रेलियन फैमिली की तरफ से। और गाइस जो नेक्स्ट अपडेट है वो है वर्तिका झा के तरफ से, जो कि डांस प्लस 4 की फेम है और अभी ABCD 3 में भी आने वाली है। तो उनका यूट्यूब पर एक नया वीडियो आउट हुआ है जो कि बेसिकली एक कोरियो वीडियो है। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके ये वीडियो को देखो, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट सेक्शन में मुझे अपने फेवरेट डांसर्स के बारे में बता सकते हो जिसके अपडेट आप चाहते हो इस कैटेगरी के वीडियोज में, और आप मुझे ये भी बता सकते हो कि आपको इस कैटेगरी की वीडियो कैसी लग रही है, मुझे ये ऐसी वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, या फिर आपके पास कोई न्यूज है कोई अपडेट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हो। और अगर आप इसी तरह के अपडेट चाहते
चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप डांसिंग कीप स्ट्रोकिंग।